सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएसई लिमिटेड शेयर को लेकर। बीएसई लिमिटेड आप लोग देखोगे पिछले 3 दिन से जो स्टॉक है वो लगातार जबरदस्त एक्शन में है। आज फिर जो स्टॉक है वो लगभग 15% के करीब उछलते हुए नजर आए हैं, जबकि सोमवार को भी स्टॉक में 18% की रैली थी। मंगलवार को कल के दिन 3% के करीब स्टॉक गिरा, क्योंकि वहां पर सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग का दबाव हमें देखने को मिला। और आज फिर से जो स्टॉक है वो एक बिग एक्शन में है, जबकि आज फेड की मीटिंग भी है और उसका आउटकम भी आना शाम तक। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में इतनी अच्छी रैली बनना, ये बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे भी जो फेड है, फेड मीटिंग में अगर 25 पॉइंट्स घटते हैं या फिर 50 बेस पॉइंट घटाती है फेड, तो वहाँ से आप लोग देखोगे कैसा बूस्ट मिलता है बाजारों को। तो यहाँ से जिस प्रकार से रेट कट होने की बातें आ रही हैं, तो हमारे मार्केट भी अभी के टाइम पे पिछले 2-3 दिन से कुछ बड़ा मूव नहीं बन रहा मार्केट में। ना तो ऊपर की तरफ कोई बड़ा मूव आ रहा है, ना नीचे की तरफ आ रहा है। फ्लैट से क्लोजिंग ले रहे हैं, फ्लैट ही ओपन होते हैं और वहीं पर क्लोजिंग ले लेते हैं। तो इसी प्रकार का मूड माहौल आज बना हुआ है। कुछ खास मोमेंटम नहीं है मार्केट में, लेकिन स्टॉक एक जबरदस्त एक्शन में है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है इस तेजी के पीछे, वो अभी NSE का IPO। जी, NSE का IPO जिस प्रकार से मार्केट में हाहाकार मचाकर आते हुए नजर आ रहा है। आप लोग देखो, NSE के ऊपर कुछ एक रूल एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करने को लेकर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उनके ऊपर एक्शन लिया गया था सेबी की तरफ से। तो वो मामला काफ़ी टाइम से चल रहा था, और जैसे ही ये मामला जो है सेबी ने सेटल किया, यानी कि अब इस एबी से जो है राहत मिल गई है NSE को, जो IPO के अंदर मेन चीज़ थी, जो बीच में कहते हैं ना अपने टांग अड़ाना, वो काम हो रहा था सेबी का। अब वहाँ से अगर राहत मिल गई तो अब इसके IPO की जो राह है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। NSE का IPO जल्द से जल्द मार्केट में उतरने वाला है। तो इस सिचुएशन में आप लोग देखोगे वो BSE पर लिस्ट होगा, और BSE पर लिस्ट होगा तो उसका बड़ा जो एक्शन है वो हमें BSE स्टॉक पर देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, और इसीलिए मैंने पीछे जब ये स्टॉक गिर रहा था, ठीक है, 2100 के आसपास आया, 2700 उस रेंज में आया, तब भी आपको एक ही बात बोली, BSE के शेयर में अगर आपने पैसा नहीं लगाया है तो भाई मुझे नहीं लगता है मार्केट में आपको विश्वास होगा। BSE अगर NSE का IPO है तो NSE और BSE लॉन्ग टर्म विजन के लिए रख दो भाई। 1-2 साल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप जब तक हो मार्केट में काम कर रहे हो तब तक रख लो इन शेयरों को। ये आपको बेनिफिट्स ही देंगे, प्रॉफिट्स ही देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अगर बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलेगा तो ऊपर ही ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो NSE का IPO की वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, और दूसरा जो बड़ा रीजन है वो ये है कि जो लगातार न्यू IPO पर IPO ओपन हो रहे हैं, आ रहे हैं, लिस्टिंग हो रही है, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कल के दिन आपने देखा पेइंग गार्डगिल जबरदस्त लिस्टिंग हुई, और उससे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, ठीक है। अब आप लोग देखोगे भी 3 IPO हो रहे हैं, वेस्टर्न कैरियर्स हो गया, ठीक है, और जो ये डेवलपर्स वाला हो गया, आर्केडे डेवलपर्स हो गया, एंड जो एक और है नॉर्थन आर्क करके हैं, ये तीनों IPO भी धमाकेदार लिस्टिंग देते हुए नजर आएंगे। तो इन IPOs के अंदर भी आपने अप्लाई नहीं किया तो आप आई थिंक आपको जरूर करना चाहिए अप्लाई, और यहाँ से एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला। और यही सबसे बड़ा कारण है कि न्यू IPOs की लिस्टिंग, न्यू मार्केट में कंपनियों की लिस्टिंग, तो इन सबसे बेनिफिट्स हो रहे हैं कंपनी को। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं आगे से क्या कुछ माहौल बन रहे हैं इसके। तो यहाँ पर देखोगे BSE के अंदर बड़ा एक्शन लगातार जारी है भाई, ठीक है। 1.5 टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे और 1 डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे जो ब्रेकआउट लेवल था इसका 3249 का था। ये मैंने आपको जब ये रैली बनी थी तब आपको सपोर्ट लेने के लिए बोला था, ठीक है। और अभी आप लोग देखोगे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक है वो कितनी जबरदस्त एक्शन दे चुका है। अभी भी अगर आपके पास यहाँ से है, थोड़ा मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है आज के दिन, और बनेगा भी भाई, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि फेड की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको जो है भाई इसके अंदर ज़्यादा रिस्क न लेते हुए 3566 रुपये के आसपास का सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए। अगर स्टॉक चल रहा है तो साथ साथ चल रहे हैं भाई, अगर ऊपर से आ रहा प्रॉफिट बुकिंग तो लेके बाहर मारो, या फिर यहाँ पर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इससे भी कम रिस्क लेना चाहते हो तो 3651 सही रहेगा। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर बनाते हो। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग करते चलना भी, जो शॉर्ट टर्म वाले स्विंग ट्रेड वाले हैं, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने सिंपल भाषा में बोल दिया, बेचने की गलती मत करना कभी भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।